आज की घटना जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ख़ास करके ये जो घटना घटी है ये एक मुख्यमंत्री के साथ नहीं, ऐसे व्यक्ति के साथ घटी है जो व्यक्ति हमेशा बिहार के मूलभूत संरचनाओं को लेकर और बिहार को कैसे हम आगे लेकर के जाएं उसके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, और बिहार कैसे हमारा विकास करे उसके लिए परेशान रहते हैं, उसके लिए संघर्ष करते रहते हैं, चाहे वो भारत सरकार से हो चाहे राज्य सरकार से हो, राज्य सरकार के पदाधिकारियों के बीच रात लेट नाइट तक हम तक बैठक करना, सुबह से उठ करके शाम से इस उम्र में भी 18 घंटा काम करना, वैसे व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना जब होती है तो लोकतंत्र में लगता है, जो लोग लोकतंत्र में इस तरह के पर लोग चिंतित रहते हैं उनके लिए लगता है कि कैसे इस तरह की घटना हो गई। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं उनकी तरफ से ये चूक हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी लोग इसमें मतलब लापरवाही बरते हों उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आज की घटना जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ख़ास करके ये जो घटना घटी है ये एक मुख्यमंत्री के साथ नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के साथ घटी है जो व्यक्ति हमेशा बिहार के मूलभूत संरचनाओं को लेकर और बिहार को कैसे हम आगे लेकर के जाएं उसके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, और बिहार कैसे हमारा विकास करे उसके लिए परेशान रहते हैं, उसके लिए संघर्ष करते रहते हैं, चाहे वो भारत सरकार से हो चाहे राज्य सरकार से हो, राज्य सरकार के पदाधिकारियों के बीच रात लेट नाइट तक हम तक बैठक करना, सुबह से उठ करके शाम से इस उम्र में भी 18 घंटा काम करना, वैसे व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना जब होती है तो लोकतंत्र में लगता है, जो लोग लोकतंत्र में इस तरह के पर लोग चिंतित रहते हैं उनके लिए लगता है कि कैसे इस तरह की घटना हो गई। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं उनकी तरफ से ये चूक हुई है, इसकी जाँच होनी चाहिए, और जो भी लोग इसमें मतलब लापरवाही बरते हों उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आज की घटना जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ख़ास करके ये जो घटना घटी है ये एक मुख्यमंत्री के साथ नहीं, ऐसे व्यक्ति के साथ घटी है जो व्यक्ति हमेशा बिहार के मूलभूत संरचनाओं को लेकर और बिहार को कैसे हम आगे लेकर के जाएं उसके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, और बिहार कैसे हमारा विकास करे उसके लिए परेशान रहते हैं, उसके लिए संघर्ष करते रहते हैं, चाहे वो भारत सरकार से हो चाहे राज्य सरकार से हो, राज्य सरकार के पदाधिकारियों के बीच रात लेट नाइट तक हम तक बैठक करना, सुबह से उठ करके शाम से इस उम्र में भी 18 घंटा काम करना, वैसे व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना जब होती है तो लोकतंत्र में लगता है, जो लोग लोकतंत्र में इस तरह के पर लोग चिंतित रहते हैं उनके लिए लगता है कि कैसे इस तरह की घटना हो गई। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं उनकी तरफ से ये चूक हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी लोग इसमें मतलब लापरवाही बरते हों उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।